हेलो हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? जी। जय माता की। जय ये माता दी। चौहान बोल रहा हूँ। हाँ अच्छा, कौन? चौहान साहब। हाँ हाँ जी, मैं नागपुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। नागपुर से ये हाँ पंडोकर का मैंने आपका सुन अभी वीडियो देखा। आपका शुभ नाम क्या है? नागो राव जी इंगोले, राव नागो जी राव जी इंगोले। इंगोले। हाँ, INGOLE। अच्छा, इंगोले। तो आप कहाँ से बोल रहे हैं प्रॉपर? जी नागपुर, जी हाँ नागपुर महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर है ना? हाँ हाँ बताइए हाँ, वहां से जी, बताइए। अच्छा, मैं भी पंडोकर दर सरकार वहां गया था। आप गए हैं? हाँ, मैं 5 आदमी हम गए थे। पहले पहले मैंने अपने लड़के को भेजा था, हेमंत नाम के। 51,000 की चिट्ठी डाले थे, क्योंकि उसको समय नहीं था। तो 51,000 की डालो तो आपको आज के आज मुलाकात होगी करके। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर वो आया वापस, कुछ नहीं, वो एक चिट्ठी बना के दिया है, बोले उन्होंने। फिर हाँ मैं, हम लोग 5 जने गए वहां पे, तो हाँ वो 51,000 दिए और 51,000 भरना पड़ा फिर से मेरे नाम से। हाँ और वो 15,000 का, 1500 का एक कमरा दिया उन्होंने। तो उसमें 3 आदमी हम, 2 आदमी फिर उधर दूसरी तरफ चले गए रहने के लिए। तो फिर क्या हुआ कि एक रूम है उनकी बाजू में, वहाँ सबको बुलाया, 51,000 और 41,000 जिसने दिए वो आ जाओ आप यहाँ पे करके। तो एक कमरा था और वो वहाँ पे गार्ड थे, एक स्टैंड गन वाला और एक रिवॉल्वर वाला। तो वहाँ बड़ी मुश्किल से एक एक को भेजे, और मैं यानी व्हील चेयर पे हूँ, मैं बेड पेशेंट था। मैं तो व्हील चेयर पे मैं गया वहाँ पे, तो काफी नंबर आखिरी में नंबर लगाया मेरा उन्होंने। तो मैं अच्छा गया तो मैं अकेला था, तो मेरे नाम, मेरे से पूछताछ के नाम गाम सब, पिताजी का नाम, ग्रैंडफादर का नाम, ऐसे सब, माता का नाम सब पूछ लिया उन्होंने। और गार्ड को बुलाया, बोले इनको, बोले माइक देके उस हॉल में बुला लो, बोले। तो हाँ मैं समझ गया ये हॉल में यही बोलेगा कि इसके आजे का नाम ये है, पनाजे का नाम ये है, माता का नाम है, तो लोग ऐसे ताली बजाएंगे, बोले बोला। हाँ जैसे अब वहाँ काफी रश था लोगों का, तो बोला हाँ ये हमारी व्हील चेयर जाने वाली नहीं थी। मैं बोला यार ऐसा ही नाटक होगा, फालतू समय का इसको बर्बाद करते, यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं। इधर बरसात का भी पानी बहुत उमड़ गया था, अरे काला काला हो गया था। तो हमने टैक्सी करके यहाँ पे आ गए फिर झांसी में। कुछ नहीं हुआ, एक नए पैसे का भी फायदा थी। मैंने उनको बोला वहां पे अंदर में मेरी तबियत का है, और ठीक है ठीक है ठीक है, बोले बस इतना ही बोला। आप कुछ बता तो दो मेरे को। मैं बोले तुम वहां पे आ जाओ, बस यही बोला। तो ये तो गलत है ना? तो अरे गलत तो बहुत गलत है, गलत क्या, इतना गलत है कि जिसका कह ही नहीं सकते। लोगों को मतलब चूतिया आप बना के धंधे है, और 51,000 जो ज्यादा पैसे देगा वो पहले आएगा, और बाद में बेचारे गरीब गुदे जो है नहीं इतना पैसा भर सकते, वो सालों गिनती में नहीं आते, वहाँ थक थक जाते, अपने आप ही नहीं आते फिर। वो आना जाना कोई बिना पैसे का होता है, मेरे को 5 आदमी का आना जाना, रहने का खर्चा, ये वो कितना आया होगा बताइए, फर्स्ट क्लास की ये, यानी मेरे सुविधा के लिए, यानी मैं फर्स्ट बेड पेशेंट हूँ तो फर्स्ट क्लास का ये 12,000 इधर से, 12,000 उधर से, रहने का खर्चा, इसका खाने का खर्चा, आप बताइए। और हमारे सामने में वह छिपकली गिर गई थी एक, उसके बड़े गंज के अंदर में। दिल नहीं हुआ वह खाने का, मुफ्त का, अच्छा, बाहर भंडारे से में। फिर कैसा कैसा भी बाहर से बुलाए हमने। अच्छा, वही भंडारे में। चिपकली हम, वो चिपकली हमको दिखी, हमने बताया अरे भाई उसमें चिपकली पड़ी है, उसी में वो बना हुआ चावल डाल रहे थे, अच्छा, बताओ। भंडारे की बात कर रहे हैं? हाँ, भंडारी की बात। अच्छा, तो हम वहां पर भंडारी का चिपकली खाए का गिर गई। भंड हम भंडारी में खाए नहीं, अच्छा, वो इच्छा ही नहीं हुई ना अपने सामने में वैसा हुआ तो। फिर तो खाना उन्होंने फेंका नहीं, चिपकली गिरा हुआ? हाँ, चिपकली है थी उसमें, वो बना हुआ चावल जो उसमें डालने वाले थे। हाँ, हाँ तो मैंने उसको आवाज दिया, फिर देखा रहे अरे बाप रे, बोले इसमें तो चिपकली। फिर उसने उल्टा किया और चिपकली को भगाया, और फिर धोधा के उसमें फिर डालना शुरू किया, अच्छा, बता।
अब तो आपको, आप तो व्हील चेयर में थे तो उन्हें तो थोड़ा प्राथमिकता भी देनी चाहिए कि बुजुर्ग आदमी। आपकी उम्र क्या होगी? 81 81? है। हाँ 81। और आप चल भी नहीं पा रहे तब भी वो नहीं नहीं दे नहीं रहे हैं? नहीं चलना के मैं खड़ा नहीं हो सकता था। मेरे दोनों दोनों तलवे, मेरा ऑपरेशन हुआ तो दोनों तलवे मेरे सुन्न पड़े हुए हैं। ओहो, एक नहीं पैसा करे, बोगस पे पूरा बोगस है टोटली। अब वो क्या है, उसका कोई राजनीति में कोई रिश्तेदार है, एमएलए फेमेले जो भी कोई हो, उनके कोई हाँ संबंध है, ऐसा बड़ा लड़का बता रहा था मेरे को, पूछताछ किया वहां पे उसने पहले तो। हाँ कोई गृह मंत्री वगैरह आ गए थे वहां पे, उसके भरोसे वो टिका हुआ है। इसके बाद, इसके पहले वो चुनाव में भी खड़ा हुआ था तो उसकी जमानत जब्त हो गई थी। वो तो चुनाव में उसका वो भाई था। अच्छा भाई था। हाँ ये नहीं है। अच्छा, अच्छा ये चीज बताइएगा कि आपका टोटल कितना खर्चा हो गया होगा? टोटल देखिए 12,000, 12,000 रेलवे का, हाँ नहीं, पंद्रह रहने के सौ लिए 12,000 का होगा, आने जाने का होगा। आने जाने का 24,000 हाँ फर्स्ट क्लास का था ना वो, 5 आदमी का। क्योंकि हाँ तो मेरे को 5 आदमी लगते हैं, तीन आदमी तो व्हील चेयर एक पकड़ के रखता, दो उठा के बिठाता, एक हाँ सामान को देख, एक सामान रहता उसके पास, हाँ ऐसा रहता। तो 5 आदमी लगते, यानी मेरे को पकड़ के 5 आदमी। हाँ हाँ तो 12,000 का एक, कुछ 11-12,000 का टिकट इधर से हुआ, फिर उधर से भी हुआ, हाँ और वहाँ का 1,500 के, दो दो दिन का 1,500 का खर्चा, हाँ और खाने पीने का ऐसा खर्चा, और वहाँ से जाने का 10,000 रुपये गाड़ी का, अपने टैक्सी का, हाँ झांसी झांसी के झांसी रेलवे स्टेशन से हाँ अरे 1,000 उधर से, 1,000 उधर से, तो हाँ तो इतना खर्चा हुआ भाई। पर्याप्त हो गया। तो ये तो करीब हाँ थोड़ा करीब कितना पहुंच गया होगा टोटल? पकड़ी ना, 24, 12, 12, 24 24,000, ये 25,000, ये और दो 25, 27,000, 27 3,000, वो 30,000, 30,000, हाँ 30-35 हजार तक हुआ गया खर्चा खाने का पकड़े। अच्छा, और एक और वहां कितने दिए? जी वहां पर्ची कटवाई होगी? पर्ची कटवाई ना, पर्ची 51,000 की पर्ची दी ऑनलाइन, के लड़के ने कटवा दिए थे, वो सोनू क्या क्या कुछ नाम है उनके भाई, लड़के का साला है कोई, साले हाँ से दोस्ताना करके भी नंबर लगा रहे, वो पिताजी इतना बैठ नहीं सकते इसके ऊपर व्हीलचेयर पे, तो जैसा तो उसे वो फिर लगाया दोस्त, ठीक है। तो यहाँ से उन्हें ऑनलाइन परचेज वो 52,000-53,000 की बोलते, लेकिन 52-53 हजार लेते वो पर्ची, ये महाराज अपने पास रख लेता है जब मुलाकात होती तो। अच्छा, तो हाँ ये सभी सभी की पर्ची वो अपने पास रख लेता है ऑनलाइन आपने 51,000 डाले थे उनके खाते में? जी। ऑनलाइन 51,000 रुपए डाले थे? अच्छा, हाँ 52-53 हजार कुछ तो भी डाले थे लड़के ने, 53,000 ऑनलाइन डाले थे? तो और ऑनलाइन। ऑनलाइन की तो स्लिप निकल आएगी ना। हाँ है ना, तो आप ऐसा करिए, मुझे आप अपनी फोटो दीजिएगा। जी तो ये आप जो जिस तरह आपकी ठगाई हुई है, तो हाँ इसका विरोध तो करना पड़ेगा ना। तो जी, हम आपकी ये वीडियो बना के डाल दें, तो हाँ डाल दीजिए। आप मुझे अपनी फोटो और जो आपकी वो 53,000 की रसीद है। अब वो देखना पड़ेगा, वो उसके ऊपर मिट गई तो नहीं, मिटती होंगी, और इसके ऊपर मोबाइल पे तो मालूम नहीं अभी, वो उसके पास है तो ऑनलाइन वो निकल देख, आते हैं ना, वो तो उन्होंने फोन पे या किसी से दिया होगा ना। अब देखे ना टिकट मिलती है ना, देखता हूँ भाई। हाँ नहीं टिकट नहीं, वो जो पैसे भेजे हैं उसकी रिसीप्ट। हाँ उसकी रसीद तो ऑनलाइन मिलती ना। हाँ तो वो तो आपको अकाउंट से मिल जाएगी ना, आपके उससे मोबाइल से। हाँ हाँ, अकाउंट से मिल सकती है, ठीक है ठीक है, वो तो और आप, मेरी फोटो। हाँ वो भेज दीजिए, वीडियो बना के डालते हैं और विरोध करते हैं और कहते हैं कि इनके पैसे वापस करें अगर काम नहीं किया है। हाँ हाँ, तो आपका ये व्हाट्सएप नंबर है ना ये? ठीक यही व्हाट्सएप नंबर है। अच्छा है भाई, व्हाट्सएप करा लेता हूँ इसको, ठीक वो है। बेटे से अगर मेरी बात होगी तो बात करवा दीजिएगा।
जी और जी इसको आप भेजिए, और इसको अपन बिल्कुल लोगों के सामने रखते हैं। जी ये बहुत गलत हुआ है आपके साथ। बहुत गलत क्या, बहुत बहुत परेशानी हुई मेरे को। मालूम है उनका ये कहाँ पे है, दूसरे मजले के ऊपर रहने का है, तो ये अच्छा और आड़े टेढ़े चढ़ाना आप बताइए, व्हील चेयर में बैठे हुए आदमी को। अरे मेरा 80 किलो वजन है, हाँ 81 ईयर है। तो हाँ फिर वहाँ देखो तो सोए हुए थे सब, हम सवेरे गए, ये गाड़ी सवेरे पहुँचती है 6:30 बजे वहाँ पे। हाँ तो हम सवेरे वहाँ कोई ठिकाना नहीं, सब सोए हुए थे। 2 घंटा हम बाहर नीचे घूमते रहे ऐसे। पहले लड़के ने हाँ बोला कि देखिए ऊपर चढ़ नहीं सकते, या बहुत बंदे हैं, बोले चढ़ा देंगे, बोले तुम्हारे पिताजी को, बोले ऊपर बताए। अच्छा तो नीचे में मतलब ढूंढ ले कोई रूम वूम होगी, तो नहीं मिली रूम, नीचे दिए, बोले ऊपर ही जाना पड़ेगा आपको। बहुत परेशानी हुई, अगर छूट गिर गया होता तो हो गया था राम नाम सत्य भाई। सही। बेटे का नाम क्या है? हाँ बेटे का नाम, इसका, बेटे का नाम। हाँ, हाँ हेमंत, हेमंत कुमार, हेमंत नाम है उसका। तो हेमंत से मेरी बात करा दीजिएगा। हाँ मैं करा देता हूँ। हाँ ठीक है, धन्यवाद जी, जी, धन्यवाद, जय माता की। जय माता दी।